जब से मिले मोहे सतगुरु जी, कट गए बंध 84 जी, सबसे मनवा मोड़ लिया, सबसे मनवा मोड़ लिया, तेरे संग नाता जोड़ लिया, तेरे संग नाता जोड़ लिया, जब से मिले गुरु जी, जब से मिले मोहे सतगुरु जी, कट गए बंध 84 जी, कट गए बंध 84 जी, तू ही दवा कसीर मेरी, सच कहती हूँ कसम तेरी, सच कहती हूँ कसम तेरी, तू मेरे दिल का मालिक है, तू मेरा दिल का मालिक है, भव सागर का नाविक है, भव सागर का नाविक है, जब से मिले मोहे सतगुरु जी, जब से मिले मोहे सतगुरु जी, कट गए बंध 84 जी, बस यही कामना करती हूँ, बस यही कामना करती हूँ, आंचल फैला कर मांगती हूँ, केवल पुरुष भी अपने लिए कुछ कहें, केवल महिला के लिए नहीं, बस ये कामना करती हूँ, बस ये कामना करती हूँ, आंचल फैला कर मांगती हूँ, आंचल फैला कर मांगती, बस यही कामना करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, बस यही कामना करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, मिलता रहे सत्संग तेरा, मिलता रहे सत्संग तेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा, मिल कामना करता हूँ, बस यही कामना कर
जाए ना कुसंग में मन मेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा, जाए ना द्वेत में मन मेरा, जाए ना द्वेत में मन मेरा, जाए मिलता रहे सत्संग तेरा, मिलता रहे सत्संग तेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा, सच कहती है शांता तेरी, तू सूरज में किरण तेरी, तू सूरज में किरण तेरी, जब से मिले मोहे सतगुरु जी, जब से मिले मोहे सतगुरु जी, कट गए बंध चौरासी जी, कट गए बंध चौरासी जी, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि सद्गुरु का सामर्थ्य प्राप्त, सत्संग प्राप्त, और सद्गुरु का सत्संग प्राप्त हो गया तो परमात्मा का ही संग हो गया, क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, गुरु उसी परमात्मा का साक्षात रूप है। जैसे तरंगों में और जल में कोई दूरी नहीं है, जिसे सूर्य में और किरणों में कोई दूरी नहीं है, कोई भेद नहीं है, ऐसे ही जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। लहरें जहां भी हैं वहां जल ही है, और किरणें जहां हैं वहां सूर्य ही है। सूर्य ना हो तो किरण कैसे प्रकाशित होगी? अगर जल ही ना हो तो लहरें कैसे प्रतीत होंगी? इसी प्रकार अगर परमात्मा ही न होगा तो जीव कैसे प्रतीत होगा? तो जीव है यानी परमात्मा है, लहर है यानी पानी है, किरणें हैं यानी सूर्य है, तो ये जीव ब्रह्म का ही रूप है। ऐसा हमें सबको कुछ दिनों से अष्टावक्र जी राजा जनक को निमित्त बनाकर यही उपदेश कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, केवल तुमने अपने को देह मान लिया है, इससे नाता तोड़ दो, इस पड़ोसी से आपने जो हेलमेल कर लिया है ये दुख देने वाला है, ये तुम्हें भटकाने वाला है, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। देह के साथ मैं भाव करना ये दुख और बंधन का ही कारण है। अष्टावक्र जी से जनक जी ने
यही प्रश्न किया कि मैं मुक्ति को कैसे प्राप्त होऊंगा, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त करूंगा, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूंगा। अष्टावक्र जी ने जनक जी के इन तीनों प्रश्नों का उसे यही एक समाधान दिया कि तू खुद नित्य ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वरूप है और वैराग्य तेरा स्वभाव है, ज्ञानी व्यक्ति का वैराग्य स्वभाव होता है, अज्ञानी का राग स्वभाव होता है, इसलिए तू नित्य मुक्त समाधिस्थ है, तुझे समाधि साधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे अष्टावक्र जी जो कह रहे हैं ध्यान से सुने। जनक जी कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म अनुष्ठान होता है। अष्टावक्र जी के वचन सुनने के बाद फिर जनक जी ने क्या कहा? अज्ञान से ही कर्म अनुष्ठान होता है। जब तक द्वैत भाव होगा, जब तक अज्ञान होगा, तभी तक हमारे मन में वासनाएं होगी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके लिए कर्म करने की इच्छा जगेगी। लेकिन जिसके मन में आत्मा का पूर्णता का बोध हो गया, उसके मन में कोई कर्म करने की इच्छा, क्योंकि अपूर्णता हो तब तो वो कर्म करने की इच्छा करे, पर कोई अपूर्णता ही नहीं तो वो कर्म करने की इच्छा भी नहीं करता। कर्म करने का भाव आने का मतलब ये कि अपनी पूर्णता का बोध, आत्मा का बोध नहीं हुआ। एवं ज्ञान से ही उस अनुष्ठान का त्याग भी है। तो अज्ञान से ही सब कर्म अनुष्ठान किए जाते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए, और ज्ञान से सब उनका त्याग हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से अपनी पूर्णता का पता लग जाता है, अपने स्वस्थता का, अपने स्वरूप का पता लग जाता है, तो फिर कोई साधन करने की अपेक्षा नहीं। भूख होगी तो वो भोजन के लिए आहार ढूंढेगा, लेकिन जो तृप्त बैठा है उसको और आहार खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अपना नहीं है प्रकृति का ही सब कुछ है, फिर उसके त्याग का अभिमान करना भी अज्ञान है। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं ध्यान से समझे, जन्म से आप एक अपने पास सुई तक लेकर नहीं आए जन्म से, और जब मृत्यु में जाएंगे तो भी यहाँ से सुई भी साथ नहीं ले जाएंगे। जब ये बात सत्य है, अनुभूत है, फिर इन अनित्य पदार्थों को संग्रह करने में क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? साथ तुम्हारे जाने का नहीं, साथ तुम लाए नहीं, जो कुछ भी है सब प्रकृति का है, ये जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, तो परमात्मा के यहाँ आप आए हो मेहमान बनकर, और यहाँ से जाते समय कुछ चुरा कर ले जाना चाहोगे, तो ये तो बहुत बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि किसी के घर हम जाए और वो हमारे सारी व्यवस्था कर दे जीवन निर्वाह खाने पीने की, और जाते समय वहाँ से कुछ न कुछ चुरा कर ले जाए, तो यह अच्छी बात नहीं। तो परमात्मा के घर में से आप कुछ भी अपनी चीज बनाने की कोशिश नहीं करें, ये सब परमात्मा की चीज है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है परमात्मा का, और उसमें तुमने कहा ये प्लाट तो मेरा है, ये मकान तो मेरा है, ये जमीन तो मेरी है, ये फैक्ट्री तो मेरी है, ये कार तो मेरी है, ये घोड़ा तो मेरा है, साइकिल तो मेरी है, ये दुकान, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो,
परमात्मा के घर आए हो, परमात्मा के घर की वस्तुओं में, और तुमने अपना अहंकार कर लिया, इसे चोरी की सजा है, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए परमात्मा की चीज का उपयोग कर लो, जिस तरह से बने उसको नष्ट ना करो, उसका उपयोग कर लो, लेकिन उसमें मेरापन का कि ये मेरा है, ये मेरी है, ऐसा अभिमान मत करो, क्योंकि पर धर्मो भयावह, दूसरे की संपत्ति में, दूसरे के धन में अपना अहंकार करना ही जीव के बंधन का कारण है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं अकर्म कर्म ग्रहण त्याग से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थित हूँ। तो अब मैंने इस सत्य को जान लिया है, तो अब मेरे लिए ना कुछ ग्रहण करने के लिए है और ना कुछ त्याग करने के लिए, क्योंकि जब ये सत्य को मैंने जान लिया कि यहाँ एक परमात्मा के अलावा किंचित भी अन्य नहीं, तो बस अब मैं अपना ग्रहण त्याग बुद्धि को छोड़कर साक्षी बनकर बैठ गया। मैंने तो बिना कुछ किए उसे पा लिया जो कभी खोया ही नहीं था। कितनी सुंदर सत्य बात कह रहे हैं, ये भी आप लोगों की बुद्धि के अवस्था को देख कर कह रहे हैं कि मैंने उसे पा लिया है, ये भी वास्तविक नहीं है, पाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि खोया कुछ था नहीं, जब खोया नहीं तो पाया क्या। लेकिन आप लोगों की जो बुद्धि का स्तर है समझने का, क्योंकि सब प्राप्ति में लगे हैं, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा मिलेगा कि कम मिलेगा, तो इस बुद्धि को देख कर कहा कि जो कभी खोया नहीं था उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। वैसे तो यहाँ प्राप्त होने वाला कुछ भी पदार्थ नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म तत्व ही है। बुद्ध भी यह अनुभव प्रकट करते हैं कि मिला कुछ भी नहीं, जो पाया हुआ था उसी का पता चल गया कि वह मैं हूँ। बल्कि और एक बात यह जानी कि पाने को तो कुछ मिला ही नहीं, और उसके तलाश में जो कुछ था वो भी चला गया। पाने को तो कुछ मिला ही नहीं और जो था वो भी सब चला गया। ये मिला मुझे तो, कोई पूछे कि आपको क्या मिला, आप 6 साल तक घूमते रहे भगवान बुद्ध, और जब लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या मिला तुम्हें, बोले मिला तो कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। नहीं, जिस में मैं मेरा मेरा मेरी मेरे ये भाव था, वो भाव भी खत्म हो गया, शून्य हो गया। जो लोग श्रवण मनन निधिध्यासन का पुरुषार्थ कर पूर्णता का अनुभव करते हैं, वे तो धन्य भागी हैं, कृत्य कृत्य ही हैं। कौन धन्य भागी होते हैं, कौन कृत्य कृत्य होते हैं? जिन लोगों ने अपने मल दोष को कर्म करके मिटा दिया है, विक्षेप दोष को उपासना करके मिटा दिया है, 80,000 मंत्र मल दोष को मिटाने के लिए कर्म कांड के हैं, 80,000 मंत्रों की जब साधना होती है तब जाकर मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल हो जाए, और निर्मल मन की क्या पहचान है कि मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार दुख कष्ट न दिया जाए, तो ये हमारा मन निर्मल हो गया। और कितने मंत्र, 80,000 मंत्र, ये कोई एक जन्म में होने वाला नहीं है, पिछले हमारे अनंत जन्म में निष्काम कर्म करते 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 करते, और यह मल दोष दूर हुआ।
उसके बाद में जो हमारे अंदर जो विक्षेप दोष था, चित्त की जो चंचलता थी, एक ध्येय पर, एक बात पर, एक निश्चय पर न टिक कर बदल बदल कर, कभी इसमें कभी उसमें, कभी ये कभी वो, तो उसके लिए 16,000 और मंत्र की साधना की। वो भी कोई एक जन्म में होने वाली नहीं, पिछले अनंत जन्मों में हमने विक्षेप दोष को भी दूर किया। उसके बाद में जो हमारे अंदर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा जगती है, इतनी लंबी यात्रा के बाद, इतनी लंबी साधना के बाद, 96,000 मंत्रों की साधना जब पूरी होती है, तब जाकर हमारे अंतःकरण में ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। तब उसके लिए फिर कोई क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलता है, तो उसके पास जाने के लिए चार हमारी योग्यता भी होनी जरूरी है, विवेक हो, वैराग्य हो, शर संपत्ति और मुमुक्षता। तब हम किसी क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाकर और शरणापन्न हो जाते हैं कि अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है। तब वे तत्वदर्शी महापुरुष आपको वेदांत तत्व का श्रवण कराते हैं। क्या श्रवण कराते हैं? कि जीव ब्रह्म एक है, ये वेदांत तत्व का श्रवण की परिभाषा है। जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक है, तो वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय कराते हैं श्रवण। फिर अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा तू ब्रह्म है इस बात का निश्चय कराते हैं। फिर महावाक्य शोधन के लिए आपको माया और उपाधि धर्मों से अलग करके, और जो माया का अधिष्ठान चेतन आत्मा है, अविद्या का अधिष्ठान जो साक्षात्मा है, उसका एकता का अनुभव कराते हैं। तो श्रवण कराते हैं, मनन कराते हैं, और फिर निधिध्यासन कराते हैं। निधिध्यासन में क्या होता है कि जितनी भी विजाती वृत्ति है जन्म से अभी तक, जो जो तुमने अपने को भ्रांति से मान लिया है, उसको गुरु एक एक करके हटाता है, एक एक से तुम्हारा अनात्म भाव को निकालता है। सबसे पहले तो तुमने अपने को मनुष्य मान लिया, यही सबसे बड़ा पाप किया, यही सबसे बड़ा अपराध किया। फिर उसमें भी तुमने अपने को स्त्री और पुरुष मान लिया, ये उससे बड़ा पाप किया। फिर उसमें भी तुमने अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिया, ये उससे भी बड़ा पाप किया। फिर उसमें भी आपने अपने को उड़िया बंगाली मारवाड़ी गुजराती बिहारी तेलुगु मान लिया, और फिर उसमें भी अपने को पिता या माता, पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, इस प्रकार भाई बंधु मान लिया। उसमें भी फिर तुमने अपने को कलेक्टर, मिनिस्टर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट कोई और इसी प्रकार की उपाधि वाला मान लिया। ये सारे के सारे जंगल को आग लगाता है। सद्गुरु और किसी की हिम्मत नहीं जो इन जंगलों को आग लगाए। बाकी लोग तो इन्हीं पौधों में पानी डालने वाले हैं, इनकी और बढ़ोतरी करने वाले, कटन कर करके, कलम काट के, पर सद्गुरु क्या करता है, इसमें आग लगा देता है कि इसमें से तो कुछ भी नहीं है, जन्म से और मृत्यु पर्यंत जो कुछ तुझे परमात्मा पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से जो कुछ मिला है, तो निश्चय कर ले
ये सब मैं नहीं और ये मेरे नहीं। ये सदगुरु ये उपदेश करता है, वो कान में फूंक मार के चेला नहीं बनाता, मंत्र नहीं सिखाता, वो घर बार नौकरी नहीं छोड़ाता, बल्कि ये सब जो कुछ तूने बचपन से अभी तक माना ये सब तू नहीं और ये सब तेरे नहीं, तू इन सब अलग केवल दृष्टा साक्षी आत्मा है। बस ये काम गुरु का है। तो सच्चा सदगुरु मिल जाए और तुम्हारा जन्म जन्म का मल दोष और विक्षेप दोष कर्म उपासना से 96,000 मंत्रों की साधना से जब वो कट जाएगा मल विक्षेप, और जब आवरण बच जाता है तो सद्गुरु फिर आपको वेदांत तत्व का श्रवण मनन और निधिध्यासन कराकर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कराता है, क्योंकि वो विजाती वृत्ति जो जंगल था उसमें आग लगा देता है और शुद्ध रूप में तुम्हें स्थित करता है। आगे क्या होता है? लेकिन जनक कहते हैं कि मैंने तो बिना जप तप ध्यान समाधि किए व राज्य रानी राजपुत्र के बिना त्याग किए घर बैठे ही अपने पूर्णता को पा लिया। ये कौन कह रहा है? जनक जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? हम लोगों को, कि तुम लोग जो इतना इतना परेशान हो रहे हो, इतने इतने साधन कर रहे हो, इतने अलग अलग मार्गों का चयन किया, मेरे को ये कुछ भी नहीं करना पड़ा, घर बैठे ही गंगा प्रकट हो गई, क्योंकि सद्गुरु अष्टावक्र जी खुद मुझे मिल गए और उन्होंने बिना कुछ किए ही बस मेरी वृत्ति को बदल दिया। मैं जो ऐसे भाग रहा था ऐसे घुमा दिया, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। नैन पुतरिया ने आंखों की जो देखने की क्षमता ज्योति बाहर थी उसको उलट कर अंदर की तरफ कर दिया। बस इतना हुआ। हे उपादेय विहरात तेवम हर्ष विषाद यो हो अभावात अद्य हे ब्रह्म नेवमेव अहम आस्थितः। हे ब्रह्मन, अज्ञान अवस्था में हे व उपादेय के कारण जो हर्ष एवं विषाद होता था, किंतु आत्मज्ञान प्राप्त होने से अब मुझे न तो प्राप्त होने योग्य कुछ रहा और न मुझे कोई त्याग करने की चिंता रही। अब वो अपना अनुभव कह रहे हैं कि ये जब मैंने ज्ञान नहीं पाया था, हे गुरुदेव जब आपसे ये ज्ञान नहीं पाया तो मुझे कुछ मिलने से हर्ष होता था और अप्रिय के नष्ट हो जाने से मुझे खुशी होती थी, प्रिय वस्तु मिल जाती थी तो हर्ष होता था और अप्रिय वस्तु भी नष्ट हो जाती तो भी है, या अप्रिय के मिल जाने से दुख होता था और अप्रिय के मिल जाने से दुख होता था और प्रिय वस्तु के मिल जाने से आनंद होता था। पर अब मेरे अंदर से ना है ना उपादेय, ना हर्ष ना दुख, ये द्वंद ही हट गया, क्योंकि अब मेरे लिए ना कुछ प्राप्त हुए है और न त्यक्तत्व है, न त्यागने योग्य कुछ है, क्योंकि अब एक ही तत्व है, तो किसको तो मैं त्यागूं और किसको ग्रहण करूं। अब तो मैं जैसा था वैसा ही हूँ एवं आत्मानंद में निजानंद में ही स्थित हूँ। अब मेरे को किसी अन्य पदार्थ की अभिलाषा नहीं, बल्कि मैं अपने आप में ही आनंदित हूँ। जैसे गहरी नींद में सभी को अनुभव होता है कि बिना संसार की वस्तु के जितनी भी तुमने प्रिय वस्तुओं का संग्रह किया है सुख बुद्धि से, लेकिन गहरी नींद में उसमें से एक भी चीज तुम्हारे पास नहीं होती है और किसी को दुख भी नहीं होता है, और दिन में वे सभी चीजें तुम्हारे पास होती है
जिनमें सुख बुद्धि की थी, पर किसी को भी सुख नहीं मिलता, किसी को भी। जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो भी देखें कि दिन में जिन जिन वस्तुओं को हमने संग्रह किया, कि जिन जिन में सुख की आशा की, लेकिन किसी में भी हमें सुख नहीं मिला, और गहरी नींद में कुछ भी हमारे पास नहीं था, जिन जिन में सुख बुद्धि की थी, गहरी निद्रा में वो नहीं भी था, लेकिन फिर भी आनंद था। तो अब मैं निजानंद में ही आनंदित हूँ, अब मुझे कोई भी बाहर के पदार्थ में सुख भाव सुख बुद्धि नहीं। आत्मा हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा नित्य सहज स्वभाव है। तो आत्मा हमारा क्या है? सहज स्वभाव है। सहज का मतलब है बिना प्रयत्न के, बिना साधन के। जैसे अग्नि को उष्णता प्राप्त से कि सहज स्वभाव है, चीनी को मधुरता की प्राप्त करने की वस्तु के स्वभाव है, बर्फ को शीतलता स्वभाव है। तो आनंद मेरा सहज स्वभाव है, ये पाप प्राप्त करने का नहीं है। स्वरूप बोध न होने के कारण इच्छित पदार्थ के पाने में हर्ष एवं जाने से दुख होता है। जब तक आत्मा का पूर्णता का बोध नहीं होता है, अज्ञान अवस्था में अपने को देह या जीव मानते हैं, तब तक अप्रिय वस्तु के चले जाने से खुशी होती है, और प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से दुख लगता है अज्ञान काल में। लेकिन अब मेरे लिए हर्ष और शोक दोनों समाप्त हो गए, अब मुझ में होने की, कुछ पाने की, कुछ देखने की, छोड़ने की बात शेष नहीं रही। अब मेरे को कुछ भी पाने योग्य नहीं लगता, कि छोड़ने योग्य भी नहीं लगता है, किसी का अभाव भी नहीं लगता है। अब मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। पर कब? जब आत्मा का बोध हो जाता है, तभी ये ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता है, किसी को यह अनुभूति नहीं होती। श्रोताओं को अष्टावक्र के वचन सुनने में यह भय होता है कि हमें जो करके पाने की, कुछ नूतन होने की इच्छा है, वह हमारा स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इसलिए श्रोता सुनते समय कुछ करके पाने की बात को तो ध्यान से सुनते हैं, एवं बिना किए श्रवण मात्र से हो जाने की बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। ये जो श्रोता लोग कथा सुनते भी हैं अष्टावक्र जी की गीता को, तो इनको एक डर ये रहता है कि इनकी ज्ञान की बात सुन लेंगे तो हमारा वो जो सपना था वो अधूरा रह जाएगा, कि मकान बनाना है या शादी करना है, कि बच्चे बनाना है, कि फैक्ट्री या स्वर्ग पाना है, कि वैकुंठ पाना है, कि सिद्धि, ये तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये तो सब मिथ्या मिथ्या कह के हमारे मन से हटा देंगे। तो अब जिसमें हम लगे थे कि इतना जप कर लिया इतना और कर लेंगे, इतना तप कर लिया इतना और कर लेंगे, इतना प्राणायाम किया इतना और कर लेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने तो हमारी सारी उस साधना को चौपट कर दिया, तो हमारा तो ये सब सपना अधूरा रह जाएगा, ऐसा डर लगता है सुनते समय। तो वे कर्म उपासना की जब बात चलती है, तब तक तो बड़े ध्यान से सुनते हैं करने की बात, लेकिन जब ज्ञान की बात चलती है तो मन इधर उधर ले जाते हैं, वो ध्यान से सुनते, क्योंकि उनका तो कर्म उपासना में ज्यादा रुचि है, ज्ञान में रुचि नहीं है। आश्रमानां श्रम